से भी पता चला कि हमें ना हर टाइम सीधा नहीं बन के रहना चाहिए, जब उल्टा बनने की बात है टेढ़ी उंगली करनी पड़े तब। ये कहाँ पे पता चला? जब दोनों जो सांड आ रहे थे उसको मारने। सांड को छोटा कैसे समझेंगे भाई? जानवरों के बारे में सोचा। वेरी गुड, एक बार वन सेकेंड क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। तो हमारी दो बैलों की कथा जो है वो कहानी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इसके प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखते हैं कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया, कितना अच्छा मैं पढ़ा पाया और कितना अच्छा आपको समझ में आया। मैं यहाँ से सवाल बोलूँगा और आपको उसका आंसर बताना है कि प्लीज़ किताबें बंद कर लो। तो हम ये देखें कि आपको कितना समझ में आया है। सारे बच्चे जिनको आएगा आंसर वो विद इन 5 सेकेंड खड़े हो सकते हैं, हम किसी एक से भी पूछ सकते हैं। गांधी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? खड़े हो सकते 5 सेकेंड में, 1, 2, 3, 4, 5। तो कुछ बैठे बच्चे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं पता। हाँ जी, आप बड़े बैठे हैं, आपको नहीं पता? सर, मैं सोच रही थी तब तक टाइम ओवर हो गया। जब तक सोच रहे थे तब तक टाइम ओवर हो गया। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने सवाल ही सुना थोड़ा सा और आंसर आ गया? बहुत सारे। आपको ऐसे बच्चे बनना है, सवाल आधा सुना और आंसर पूरा आ गया। हाँ जी, क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि वो पता चले कि जानवर उसमें है या नहीं। नहीं और कुछ है? हाँ जी, सही बोल रही है सर। इसलिए ली जाती थी हाजिरी कि कोई जानवर गायब ना हो गया और कहीं चलाया गया, इसलिए उनकी हाजिरी ली जाती थी। कुछ छूट गया है क्या? यस सर। यस सर, ताकि उनकी ना संख्या पता रहे कि वो उतने ही जानवर है, कहीं गायब नहीं हुए। सर कुछ और रह गया क्या? यस सर, कांजी हाउस में पशु की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि वो कहीं बाहर नहीं गए, और इसलिए भी ली जाती थी ताकि कोई बीमार ना हो, कोई मरवर ना गए। और कुछ छूट गया क्या? यस yes. और उन्हें पता चले कि कौन कौन है जानवर इसमें, कौन कौन जानवर हैं सुषमा के पास आते हैं। हाँ जी सर, हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि वो लोग जानवरों को खाना नहीं देते थे और उन्हें पता था कि अगर वो खाना नहीं देंगे तो जानवर दिन पे दिन मरते रहेंगे, तबीयत खराब होती रहेगी, इसलिए वो हाजिरी लेते थे। तबीयत खराब होती है इसलिए हाजिरी लेते थे क्या? एक लाइन में कोई बच्चा बता पाएगा? एक लाइन में सिंगल है कोई? जानवरों की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि यहाँ से कांत खोद खड़ा हो गया। वहाँ पर जानवरों की हाजिरी इसलिए ली जाती ताकि पता चले कि कितने जानवर अभी जिंदा हैं और कितने हैं जो मर गए हैं। देखिए, एक सिंगल लाइन में बोलेंगे तो हिसाब किताब रखने के लिए। क्यों ली जाती थी? तो कुछ बच्चे शायद आता है आपको आंसर, कुछ शायद ऐसे ही आ गए हैं। चलिए बैठे वाले बच्चों थोड़ा सा शर्म कर लो क्योंकि बड़ा आसान सा सवाल है और पेपर में ये वाला आंसर आता ही आता है। यस, बैठो, दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? 1, 2, 3, 4, 5। हाँ जी बताइए, क्यों ली जाती थी? सर, क्योंकि जैसे उस लड़की की हालत थी ना, जैसे हालत थी वैसे उस बैल की भी। अच्छी हालत? नहीं, अच्छी नहीं, बुरी हालत। बुरी हालत मतलब कि लड़की को मतलब कि ज्यादा खाना नहीं मिलता था, मतलब कि मारती थी उसे, उसकी मम्मी मारती थी और वैसे बैल। सुनने में तो है कि उसकी मम्मी नहीं थी। हाँ, उसकी मम्मी तो नहीं थी। तो ये मैं बोलूंगा या आप बता सकते हो? हाँ जी सर, जो लड़की थी उसे गांव की गाय बैलों के प्रति मान्यता इस वजह से थी। मान्यता नहीं, प्रेम। इस वजह से था क्योंकि जो दोनों बैलों में बैल है उनके भी मालिक मतलब उनके वैसे सगे भाई थे जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया, और उसकी माँ भी नहीं है जो कि उससे दूर हो गई जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। और जो बात बोल दी है उससे आगे बढ़ेंगे आप? सर, लड़की की और दो बैलों की परिस्थिति सेम थी। ये काफी इम्पोर्टेंट लाइन है, दोनों की परिस्थिति सेम थी। हाँ जी, और भी तुम दोनों तो पहले खड़े हो गए थे, सवाल आया नहीं था उससे पहले। सर, उसकी भी सौतेली माँ थी जो कि उसे बहुत मारती थी और उसका ढंग से ख्याल नहीं रखती थी, और गया भी सेम वैसे ही था, जो उसे उन्हें पीटता था लेकिन उनका ढंग से ख्याल नहीं रखता था। ढंग से ख्याल नहीं रखता था, कुछ आप भी बताना चाहेंगे? कोई खाना भी जैसे उसकी माँ करती थी सौतेली माँ उसके साथ, वैसे ही गया भी करता था। क्या करता था? उन्हें खाना नहीं देता था, उन्हें बासी बासी दिया करता। हाँ जी, जो लड़की थी वो बैलों की जिंदगी को और अपनी जिंदगी को कनेक्ट कर पा रही थी, इसलिए उनकी फीलिंग्स को वो समझ पा रही थी अच्छे से। मतलब सेम फीलिंग थी दोनों की? यस। हाँ जी, लड़की को मतलब गाय के प्रति बैलों के प्रति प्यार इसलिए उमड़ गया क्योंकि उन दोनों की दशा भी सेम थी,
गाय और उसकी सेम दशा थी, गाय नहीं बैल, बैल की दशा सेम थी, उसकी भी सौतेली माँ थी और उसका सौतेला मालिक था और दोनों और सर उसको भी मार पड़ती थी और बच्ची को भी मार पड़ती बल बच्ची को भी मार पड़ती थी दोनों के साथ सौतेला व्यवहार होता था। नई लाइन है जो कि काफी कमाल की है, तो तालियां बजा सकते हैं आप यहाँ पर। दोनों के साथ सौतेला व्यवहार, यस। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके पास भी अच्छा आंसर है। सर उसको खाने के लिए नहीं मिलता था और बैलों को भी नहीं मिलता था सही से। लड़की को भी खाना नहीं मिल रहा, बैलों को भी। हाँ जी, आप चारों कुछ नहीं पता, पढ़ो थोड़ा सा बेटा, जोर से बोलो। कुछ रह गया क्या किसी का? यस, अरे लड़की को सूखा भूसा है, बैलों को लड़की को सेम खाना कैसे? बैलों को भूसा मिलता है, लड़की को रोटी मिलती है, सेम कैसे हुआ? वो बच्ची को अपनी माँ से बिछड़ने का डर झेलना पड़ता था और बैलों को अपने मालिक से बिछड़ने का डर झेलना पड़ता था। डर नहीं, गम, गम और डर, बहुत नहीं, डर और गम दोनों अलग 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 है ना। तो बहुत बढ़िया, एक नई बात निकल के आई है जो मुझे भी अभी तक शायद अपने सवाल में नहीं पता था। लड़की को भी अपने अपनी माँ से बिछड़ने का गम था और बैलों को भी अपने मालिक से बिछड़ने का गम था। कुछ और लेकर के आई है, यस। सर जिस तरीके से बैलों से काम कराया जाता था, उसी प्रत्येक लड़की से भी काम कराया जाता था और दोनों को खाना नहीं दिया था, इसलिए दोनों परिस्थितियां सेम। वेरी गुड, दोनों से जम करके काम करवाया जाता था। ओके, तो बैठ सकते हैं आप। अगला सवाल हमारा, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? अब खड़े हो। कहानी में दोनों बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? 1, 2, 3, 4, 5। नीति का मतलब होता, आप मत खड़े होना, बता दूं आपको, नीति का मतलब होता नैतिक। कौन कौन सी अच्छी बातें थी जो दोनों बैलों के माध्यम से आपको समझ में आया है? यस, वो दोनों बैले थे और अच्छी, बैले नहीं, बैलों, बैलों थी और अच्छी मित्र, वो दोनों बैल थे। बोलो बोलो। वो दोनों बैलों थी, वो दोनों अच्छी मित्र थी और वो दोनों अच्छी मित्र नहीं, अच्छे मित्र थे। कंफ्यूज हो रही है। हाँ जी, हिंसा का जवाब हिंसा से देना, ये नीति विषय मूल्य आपको समझ में आया? सर एकता में शक्ति, ये समझ में आया। एकता में शक्ति, मुसीबत में दोस्ती निभानी चाहिए। वेरी गुड, यस। दोनों के माध्यम से घनिष्ठ मित्रता का पता चला, वो मित्रता बता दिया। और महिलाओं के ऊपर सिंह नहीं चलाना चाहिए, सिंह न चलाओ तो हाथ चला लो, नहीं नहीं मतलब सम्मान पता चला, तो ये बोलो ना बेटा, महिलाओं पे अत्याचार मत करो, तब सिंह से हो चाहे हाथ से हो, महिलाओं पर अत्याचार ना करें। यस, मुझे लगता बड़ा आसान सवाल था, बट नहीं बता पाए, सो सैड। हाँ जी, बस जो हमारे पास है उसकी कदर कब पता चला? जब वो गया के पास था और फिर जब उसे कांजी हाउस में रख दिया गया, मतलब गया से बढ़िया कांजी हाउस से बढ़िया गया, हाँ। गया से बढ़िया जूरी, और दरिया से बढ़िया कम से कम कांजी हाउस तो था। हाँ जी सर, उसमें ये पता चलता है कि जिस प्रत्येक हमारा दोस्त, जोर से बोलो, अगर हमारा मित्र किसी मुसीबत में है तो लोग आज के जमाने में लोग अपने मित्र को छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें भी पता चला वो अपनी मित्रता को निभाता है, अपनी जान जोखिम में डाल के अपने दोस्त को बताता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके मित्रता निभाई है। यस, दोनों बैलों के माध्यम से भी पता चला कि हमें ना हर टाइम सीधा नहीं बन के रहना चाहिए, जब उल्टा बनने की बात है, टेढ़ी उंगली करनी पड़े, तब ये कहाँ पे पता चला? जब दोनों जो सांड आ रहे थे उसको मारने के लिए, तो वो लोग टेढ़े हो गए थे। ना 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 ना, वहाँ पर टेढ़ा नहीं सीखा, वहाँ पर क्या सीखा बताओ? सांड से, सांड ने क्या सिखाया बताओ कोई बच्चा? सांड से दोनों बैलों ने क्या सीखा उस घटना से? यस, एकता, और दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग करके हम सारे काम कर सकते हैं, किसी को भी छोटा, सांड को छोटा कैसे समझेगी भाई? सांड तो वैसे अच्छा अपने आप को, दोनों बातों में देखो, आकांक्षा ने जो बोला उसमें दम था, अपने आप को तालियां बजा भाई, अपने आप को कम ना समझें आप।
आप कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़े हाथी और सांड को भी मार गिरा सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप चाहे कोई भी सवाल टफ क्यों ना हो, कोई भी काम मुश्किल क्यों ना हो, यू कैन डू। कुछ और बहुत सारी बातें हैं, किसी को बैठे बैठे समझ में आ रहा हो तो यस। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दे बाजरा। दोनों बैलों ने सिखाया कि इंसान बनो, नहीं तो हम जैसे जानवर बन लो, और हम जैसे जानवर भी तुम जैसे इंसानों पर भारी हैं। कोई बैठे वाले किसी को समझ में आ रहा हो, कुछ और सीखा हो आपने? बहुत सारी बातें हैं जो दोनों बैलों ने हमें सिखाया। यस, हाँ जी, जोर से बोलो। किसके बारे में सोचा? वेरी गुड, एक बार वन सेकेंड क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। बहुत सारी नीति विषय मूल्य हमें इस चैप्टर से सीखने को मिले हैं, बहुत सारी बातें आपने बता दी है, लेकिन कुछ अभी भी रह गए हैं। यस, तो इससे क्या सीखा आपने? जबरदस्ती कर दो, किसी को रोड पार ना करनी हो तो जबरदस्ती करवा दो। क्या सीखा? वेट वेट वेट, जबरदस्ती भी भला कर दो किसी का। यस, कई लोग आपने देखा होगा वो बड़े बुजुर्ग से होंगे और आप उन्हें कह रहे होंगे कि अंकल जी मैं पकड़ लेती हूँ आपका सामान, वो कहते ना ना बेटा, नहीं नहीं मैं पकड़ लेती हूँ, ना ना ना, और आप उसका सामान पकड़ के घर छोड़ दो। तो ये सिखाया मोती ने कि मदद की जरूरत है, उनको जबरदस्ती भी कर लो कई बार। यस सर, जब हीरो मोती जब सबको भगा रहा था सब जानवरों को, तो हीरो को रस्सी से बांध दिया था तो वो उसको छोड़ के नहीं गया कि ये तो दोस्ती पहले पता चल गई ना। हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ। नहीं, दोस्ती हो गई। और बताइए, कुछ और समझ में आ रहा हो बैठे वालों को? अरे खड़े वाले, तीन चार पांच बच्चे तो लगभग हर सवाल में खड़े हो रहे हैं। सर, अपनी ताकत का कहीं और गलत जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कब सीखा? जब मोती हर वक्त मारता रहता था, एक दूसरे को बोलता था कि इसे मार दूंगा उसे मार दूंगा, तो उसे उसकी उसको जब वो कांजी हाउस की जेल में था तब उसे वहां पे उस ताकत का इस्तेमाल करना था, लेकिन तब वो। बहुत बढ़िया, महक के लिए क्लैपिंग एक बार। हाँ जी, हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। कब बने, कौन बने? दोस्ती निभा रहे तो स्वार्थी नहीं बनेंगे शायद, हम स्वार्थी दोस्त ना बने, है ना? हाँ जी, जब हमें कोई चीज फ्री में मिल रही है तो ये नहीं कि फ्री का है तो उसे पूरा लपेटे जाए। कब समझ में आया? जब मटर के खेत में मोती को पहले खा लिया फिर दोबारा गया तो उसके चक्कर में फिर वो फंस गया। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग एक बार दोनों के लिए। यस, आपके पास भी आ रहा है कुछ? जानवरों को भगाने के लिए खुद डरता था, मार भी खाई थी और रस्सी से बंधा भी था, पानी तक भी नसीब नहीं होता था। मतलब दूसरों के लिए कई बार मुसीबतें झेल लेना चाहिए, हम तो अपने लिए मुसीबत नहीं झेलते। थोड़ा सा 11 बजे तक क्या पढ़ना पड़े कि नींद आई जाती है। यस सर, इसमें भगवान पे भरोसा करना भी सिखाया, क्योंकि जब कसाई भी लेके जा रहा था दोनों बैलों को तो वो लोग सोच रहे थे भगवान के बारे में, तो फिर भगवान ने उन्हें रास्ता दिखा दिया था। हमें विश्वास भी करना चाहिए, चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, खुदा हो, गॉड हो, यीशु मसीह हो। दोनों बैलों ने अपने मालिक का। यस, वेरी गुड, एक बार प्राची के लिए भी क्लैपिंग। कब हुआ किसके साथ अच्छा वो बताओ? सर, जो मोती और हीरा थे उन्होंने सब जानवरों की भी हेल्प की थी, तो इसके कारण उनकी भी लास्ट में हेल्प की थी, वो अपने घर पहुंच गए थे जूली के। बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं दुआ सर करती है, इसलिए हमें ये सीखा कि कुछ ना कुछ अच्छा करते रहो, आज नहीं तो कल उसका रिस्पांस हमें मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा नहीं मिला तो कम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरा मिलता है वैसे ब्याज सही अच्छे काम का। कुछ बच्चे बैठे बैठे हैं और सोच रहे हैं कि हमें क्यों नहीं आ रहा, और ये जो खड़े हैं इनको क्यों आ रहा, समझ में आ रहा क्यों आ रहा इनको? हैं, यारी दोस्ती में अक्सर हम देखते हैं कि दूसरा ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन यहाँ पर आपने देखा दोनों बैलों का ये सेंस रहता था कि मेरा दोस्त हल्के में रहे और मैं चाहे मुसीबत झेल लूं, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता। मेरे ख्याल से जितने आंसर आप लोगों ने बता दिए हैं, अगर आप गाइड वाली किताब लो तो शायद उसमें भी ना मिलेंगे। तो जोरदार ताली एक बार।
उन बच्चों के लिए जिन्होंने आंसर दिए हैं। आप खड़े हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल। ओके अगला सवाल। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके एक नए अर्थ को बताया है? आमतौर पे ये दोनों चारों तो लगभग खड़े हो ही रहे हैं, तुम्हारी क्लास के ये काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं। सवाल समझा देता हूँ। हो जाओ। सवाल क्या है कि हम आमतौर पे गधे को बेवकूफ समझते हैं ना? Yes, आज तक हर कोई गधे को गधा समझता है, नहीं उसे बेवकूफ समझता है। लेकिन इस पार्ट में प्रेमचंद ने गधे को बेवकूफ ना कह करके, मूर्ख ना कह करके एक नई चीज कही है, एक नया उनके लिए एक शब्द यूज किया है। क्या कहा है प्रेमचंद ने गधे को? सर, क्योंकि वो लोग शांत रहते हैं जैसे ऋषि मुनि रहते हैं और वो किसी को बुरा भला नहीं बोलते। जोरदार तालियां एक बार। शांत रहते हैं, इस नए अर्थ की ओर आया है और एक नया बच्चा खड़ा हुआ, उससे जानना चाहेंगे। बुद्धिमान कहाँ समझा? समझा क्या? गधा बुद्धिमान है? गधा बुद्धिमान है क्या? कांजी औज में पड़े पड़े जा ही नहीं रहे, बुद्धिमान कैसे होंगे? यस सर, उनको ऋषि मुनियों का मतलब नाम दिया था कि वो ऋषि मुनि। जोरदार तालियां बजा दे एक बार। ऋषि मुनियों का नाम दिया है उन्हें। कुछ और बताना चाह रही है लेकिन हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम दूसरे बच्चे से। वेट वेट, आपकी एक्साइटमेंट समझ रहे हैं हम। मतलब उनमें सहनशीलता भी होती है। सहनशीलता का अर्थ उनको एक उस अर्थ पे उन्हें बता। अच्छा, तालियां बजाने नेह के लिए। हाँ जी, संतुष्ट हो जाते हैं। जोरदार तालियां एक बार पायल के लिए तालियां। अच्छा वेट वेट, कितने बच्चे प्रेमचंद वाले गधे हैं? प्रेमचंद वाले गधे बोला मैंने, समाज वाले गधे नहीं, जिनको लगता है कि वो अपने घर में कभी लड़ते नहीं है। सच में जो संतोषी हैं, सहनशील हैं, जो मिल जाए उसमें खुश रहते हैं, आप हैं? सच में पक्का? एक बार जोरदार तालियां बजा दो। लड़ती हूँ कभी कभी। वैसे कभी गधे को भी तो कहा है कि कभी कभी कुलेल कर लेता है, कभी कभी। प्रेमचंद ने गधों के बारे में ये बताया कि वो गधे गधे नहीं, मतलब मूर्ख नहीं होते। गधे हाँ मूर्ख नहीं होते, वो उनमें ऋषि मुनियों के सारे गुण होते हैं क्योंकि वो एकदम सहनशील होते हैं। ऋषि मुनियों को हम कुछ भी दें वो उनमें संतुष्ट रहते हैं और वो हर स्वभाव में एक ही जैसे रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग वन महक के लिए। एंड अगला सवाल, बैठ जाओ सारे। अगला सवाल है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 1 2 3 4 5। यस, जोर से बोलो। जब सांड से लड़ाई हुई थी, दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया था। वेरी गुड, वेट वेट। हाँ जी, जब मोती कांजी आज में बंद था और फिर हीरा दीवार, दोनों बंद थे। चलो बतवा, जब उसने दीवार तोड़ी थी तो वो खुद भी तो भाग सकता था, वो नहीं भागा और उसी का इंतजार करता रहा। ओके, दोस्ती दिखी आपने। वेट 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 वेट। यस सर, हीरा और मोती जब मटर के खेत में, जोर से बोलो। जब हीरा और मोती मटर के खेत में फंस गए थे, दोनों ने फंसे थे, एक फंसा था, एक फंसा था, तो कौन फंसा था? हीरा, मोती फंसा था। हीरा लौट के वापस आ गया तो अपने दोस्त को बचाने, तो आप बचाने के लिए, निकालने के लिए, वेट। अच्छा, कई बहुत कम ही आंसर आ रहा है, साक्षी बता रही है। फंसा था तो मोती ने देखा कि उसका दोस्त संकट में है, तो वो भी उसी के पास चला आया। मतलब संकट में घटना आपने देखी और मोती भी, हीरा भी वापस आ गया। यस सर, जब हीरा और मोती गया के घर पे थे और जब मोती को मोटी रस्सी से बांध दिया था, तो हीरा ने उसको चबाया था, पर मतलब साथ दिया था कि टूट जाए, खुल जाए। ऐसा हुआ क्या? हाँ जी, आप बताओ, अपना बताओ। समझ नहीं आया। कुछ बच्चे हर सवाल में बैठे ही हुए हैं, तो थोड़ा सा एक्टिव रहो। हाँ जी बताओ, कब दिखा आपको? सर, जब वो, जोर से बोलो। हीरा और मोती अपने सवाल, जोर से नहीं बोल रहे हो आप। जब वो गया के घर जा रहे थे, तब वो दोनों सोच रहे थे, जब उन्हें बांध के वो लेके जा रहा था, तो सोच रहे थे कि
ज्यादा भार उनकी गर्दन पे है, हीरा की गर्दन पे। नहीं तब नहीं सोच रहे थे सर, हल सोच रहे थे, सोच रहे थे कि ज्यादा भार हीरा पे हो, वो नहीं ज्यादा भार मेरे पे हो, मेरे पर हो, ज्यादा भार मेरे पर हो। यस वेरी गुड। हाँ जी सर, जब मतलब साथ में दीवार चाटने साथ में दीवार चाटने में दोस्ती है। हाँ जी सर, जब वो गांधी हाउस में वो लोग बंद थे तो मोती हीरा को छोड़ के नहीं गया था। मोती हीरा को छोड़कर नहीं गया सर। यस yes, वेट वेट। हाँ जी सर, जब वो मटर के खेत में फंस गए थे, मोती फंस गया था, तो हीरा उसे छोड़कर नहीं गया, उसने साथ दिया। मटर के खेत में हीरा ने साथ दिया, गांधी हाउस में मोती ने साथ दिया। घनिष्ठता सर, दोनों साथ में नान में मुंह डाल के खाना खाया करते थे, मतलब भूसा खाया करते थे और साथ में मुंह डालते थे और सिमटकर और चाटकर एक दूसरे का प्रेम पकड़ते थे। वेरी गुड। यस सर, जब वो कांजी हाउस में उसे जो गार्ड था उसे बंद कर दिया था वो मोती को, ये हो चुका है, कुछ नया बताओ। यस सर, वो सुख में दुख में दोनों साथ ही रहते थे, जब हीरा पे मुसीबत थी तो मोती उसके साथ था और जब खुश होते थे तो भी दोनों साथ रहते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक जोरदार तालियां एक बार पायल के लिए। वो दोस्ती थी कि प्लानिंग थी? आप प्लानिंग बता रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। जी बताओ सर, इसका इससे पता चलता है स्टार्टिंग में ही दोनों बैले एक साथ थे। वो बता दिया महक ने, कुछ नया बताओ हीरा और मोती की दोस्ती में। नहीं हाँ जी बताओ, सिंह से सिंह मिलाकर खेलते थे। हाँ जी जोर से बोलो सर, वो दिन भर अपनी भगवान पे चाटते थे, शाम को घर पे वापस मतलब घर पे वापस जाते थे तो दोनों आपस में ना चाट चूट के अपने आप को साफ कर लेते थे। अरे नहीं साफ नहीं करते थे, दोस्ती निभाते थे। ओके तो अगला सवाल है हमारा, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है या भूले जाते हो? लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है यह भूले जाते हो? यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये सवाल, ये किसने कहा था? नहीं मुँह से बोलो। कितने बच्चे कह रहे हीरा ने? कितने बच्चे कहते मोती ने? जो पहले मोती कह रहे थे वो भी गायब हो गए, ये हीरा ने कहा था। किसको कहा था? कब कहा था? हाँ जी कब कहा था? अभी आवाज आ रही थी, अब आप बताओ सर। जब वो अभी नंबर आ गया। हाँ सर, जब वो वहाँ से भाग रहे थे ना तो वहाँ पे गाय आई थी, नहीं वो उसकी ना मालकिन को मार रहे थे, तब मालकिन को मार रहे थे। हाँ जी जोर से बोलो। यस वेरी गुड, जोरदार तालियां पायल के लिए। जब लड़की की सौतेली माँ को यानी कि गया की बीवी को मारने की बात हो रही थी, लेकिन सवाल मेरा कुछ और है, मैंने आपको उलझा दिया। सवाल कुछ और है, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण, स्त्रियों के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब होता नजरिया, सोच, थिंकिंग क्या थी? 1, 2, 3, 4, 5, कोई खड़ा नहीं इस लाइन से। चलिए बताइए भाई किससे पूछना चाहेंगे। हाँ जी बताओ भाई, वेट वेट जोर से। हीरा नहीं प्रेमचंद, प्रेमचंद ये बताना चाहते थे कि औरतों पे इस सवाल की औरतों पे बहुत जुर्म होता था और उन्हें बंद करना चाहिए। हाँ जी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं हुई, लेकिन थोड़ा जोर से बोलो। समाज में स्त्रियों को मारना मना है और ऐसा उसमें संविधान में भी लिखा गया है, संविधान में भी लिखा है। हाँ जी सर, ये प्रेमचंद जी इस कथन से ये कहना चाहते हैं कि हमारे उनका दृष्टिकोण नजरिया क्या था प्रेमचंद का? उनका नजरिया ये था कि जो हमारे देश में महिलाओं पे इतने अत्याचार होते हैं, उन्हें शारीरिक दंड दिए जाते हैं, वो ना दिए जाए। हाँ जी पुरुषों को दे दो। हाँ प्रेमचंद का दृष्टिकोण महिलाओं के पुरुषों को दे दो चाहे। प्रेमचंद का दृष्टिकोण ये है महिलाओं की तरफ कि उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि महिलाएं बहुत दुख सहती हैं अपनी जिंदगी में। हाँ जी और कुछ किसी का कुछ? हाँ जी साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए ये तो रूल है, बट प्रेमचंद का दृष्टिकोण हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि सवाल यही आएगा, प्रेमचंद का क्या नजरिया है? प्रेमचंद का नजरिया ये कि हमें औरतों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो बहुत पूजनीय है, पूजनीय है। यस इस हीरा के इस कथन से
प्रेमचंद जी का ये दृष्टिकोण है कि जो महिलाएं हैं वो हमारी माँ समान है, तो हमें उनको कभी भी उनके हाथ नहीं उठाना चाहिए। हाँ जी आप सर, जो बैल प्रेमचंद का ये कहना है कि जिस तरह से बैल इस चीज का वो कर रहे हैं कि स्त्री को कभी सिंह नहीं चलाना चाहिए, हमारा धर्म नहीं कहता, उसी प्रकार मनुष्य को भी स्त्री पर अत्याचार नहीं करने चाहिए, स्त्रियों पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। यस, प्रेमचंद जी के नजरिए में औरतों के लिए बहुत ही सम्मान है और उनको हमें दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। औरतों को दूध नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ और किसी के पास? यस सर, उदाहरण के लिए उस लड़की की सौतेली माँ, उस लड़की की सौतेली ऊँचा बोलो, उस लड़की को बहुत मारती पीटती थी और उसके पिता को भी कोई ज्यादा नहीं था अपनी बेटी को लेकर, लेकिन जबकि उसकी बेटी उसकी खुद की थी। नहीं तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या दृष्टिकोण था प्रेमचंद का? प्रेमचंद जी इस हीरा बहस की मतलब उससे संकेत ये देना चाहते हैं कि औरतों पे इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे देश में हमारे शास्त्रों में एक लाइन है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ जिस जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। yes, और ये बिल्कुल सच है। जिस घर में मम्मी की पूजा होगी ना उस घर में देवता भले बाद में आए, खाना बढ़िया बनेगा। yes, खाना बढ़िया बनेगा तो अपने आप ही सब कुछ बढ़िया रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो अपने आप ही वो स्वर्ग बन गया ना घर। yes, और नारी की पूजा नहीं हो रही है, पूजा का मतलब ये नहीं कि अब आरती उतारू रे, मैं तो आरती उतारू रे फलानी के पापा की मम्मी की, तो ये मम्मी की आरती नहीं उतारनी है, सम्मान करना है। कैसे करेंगे सम्मान महिलाओं का? मतलब उनकी जो जरूरत का जो सामान है ना वो उनको लाके दो, उनपे हाथ ना उठाओ, उनकी सारी विश पूरी करो। मतलब सारी विश पूरी करना सम्मान शायद नहीं है, क्योंकि सारी विश पूरी करने के बाद अगर हम अत्याचार करें तो शायद। हाँ जी क्या बताना चाह रहे हैं? दर्द को समझना। यस, दर्द को समझे, सबसे बड़ा सम्मान यही है। कम चीजें दो चलेगा। बैठो, कुछ और? यस, उनको पुरुषों के समान अधिकार दिए जाएं। अगला सवाल है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य की आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया है? सवाल समझ आया? नो सर। किसान जीवन में पशु और किसानों का मनुष्य का क्या संबंध है, रिलेशन? जानवरों का इंसान के प्रति, इंसान का जानवर के प्रति क्या रिलेशन है? इस पाठ में भी कुछ दिखाया है रिलेशन शायद। 1, 2, 3, 4, 5 तो कुछ ही बच्चों को समझ में आ रहा है। यस, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे सर, जैसे झूरी और बैलों के बीच में इतना प्यार था तो उनके बीच दोस्ती का दिखाया था, और गया और बैलों के बीच थोड़ा वो था, गया कि क्या था, थोड़ा मन मुटाव था, दुश्मनी थी, तो एक रिलेशन गया और हीरा मोती, दूसरा है झूरी और दोनों बैल हीरा मोती। यस सर, किसान और जानवरों का ये रिलेशन है कि जानवरों से वो अपना काम करवाते हैं, और गया का वो उसको डांटता था मारता था इसलिए वो लोग उससे गुस्सा रहते थे, और जो झूरी था वो गाय से प्यार करता था तो वो उसके साथ, गाय नहीं बैलों से, बैलों से उनका रिश्ता था दोस्ती का। यस, और बताइए आपसे सर, किसान और बैलों का भूल गई। यस सर, किसान और बैलों का ये संबंध है, जैसे बैल है वो किसान के लिए काम करते हैं और किसान है वो बैलों को खाना खिलाते हैं, और इनसे दोनों का फायदा होता है और दोनों में तालमेल भी बना रहता है, कभी अगर किसान पे कोई जानवर हमला करे तो बैल उन्हें बचाते। जोरदार तालियां एक बार, वैसे पीछे भी आंसर अच्छे आए हैं बट जो सुषमा का आंसर है काफी काबिले तारीफ है। आप बताइए क्या लगा आपको पूरा पाठ पढ़ के और अपना ऑब्जर्वेशन? झूरी से जो बैल अलग हो गए थे तो झूरी में दुखी सा हो गया था, और जैसे ही उसके बैल के पास आए तो उसको बहुत खुशी हुई और वो उन्हें चूमने लग गया, और इस झूरी ने इसी वजह से वो उससे कसाई से लड़ाई भी की थी। यस, तो रिलेशन आपको दिखा कि किस तरह से बैल झूरी को और झूरी बैलों को प्रेम कर रहे हैं। यहाँ एक और आंसर है, वैसे कम बच्चों को ही पता है इसका आंसर। सर, जैसे झूरी और दो बैलों का रिलेशन देखे तो वो उनसे बहुत प्यार करता था। कौन? झूरी बैलों से। ओके। हाँ, तो जब बैल उससे दूर जाते थे तो उसके पास वापिस आ जाया करते थे,
भले ही वो उससे कुछ नाराज हुआ करते थे कि उन्होंने उसको बेच दिया, लेकिन वो उसके पास वापस आते थे क्योंकि वही एक ऐसा मालिक है जो उनसे बहुत प्यार करता है, काम भी ठीक से कराता है और उसको खाना भी देता है अच्छे से। वो प्यार करने का रीजन क्या है? क्योंकि सर वो मतलब कि बैल से काम कराता, मतलब पसंद है उसे बैल, पसंद है इसलिए। हाँ जी हाँ जी, आप बताना चाह रहे हैं। जानवर के बिना किसान का कोई भी काम संभव नहीं है। यस, जोरदार तालियां बजा दे और पायल के लिए। सुनना चाहेंगे आप दोबारा, तो दोबारा थोड़ा जोर से बोलो। जानवर किसान के लिए भूल रही है, इसने कहा कि जानवरों के बिना किसान का काम चलना मुश्किल है, या कहें कि बैलों बिना, जानवर तो शेर भी है ना, तो शेर के बिना किसान का काम चल जाएगा ना। हाँ जी, किसानों के बीच में ये रिलेशन है कि उन दोनों में बहुत प्यार प्रेम होता है, क्योंकि बैल जब हल लगाएंगे तभी उनके घर में अनाज आएगा और तभी वो अपना घर चला सकते हैं। तो ये तो बैलों से काम है, किसान का क्या फिर बैलों से? कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे हैं जैसे दो जूते दो पैर में, साइकिल के दो पैर, वो उनके बिना नहीं है वो उनके बिना नहीं है, और दोनों का प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। असल में हम रियल लाइफ में ऐसा करते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल के लिए गया हमें दिखाना, काम तो सेम कर रहा है, शायद ज़्यादा कर रहा है, लेकिन मार बहुत रहा है। तो रिलेशन भी होना बहुत ज़रूरी है जानवरों के प्रति। कितने बच्चे जानवर पालते हैं? क्या रिलेशन होता है आपके जानवर के प्रति और जानवर का आपके प्रति? कौन सा जानवर पाला है? बकरी, बकरी पाली है। क्या रिलेशन है आपका बकरी से और बकरी का आपसे? जब मैं ऊपर जाती हूँ तो मेरे पैर चाटती है, और क्या कहते हैं, और जब मैं वो सबके पैर चाटती है कि सिर्फ आपके? मेरे ज्यादा, मेरे। ओके, और मेरी मम्मी ज्यादा क्यों चाटती है? क्योंकि मैं ज्यादा उससे प्यार करती हूँ इसलिए। तो हाँ, और उससे बुला रहा तो आ जाती है, बुलाने में आ जाती है। कभी बकरी ने आपको बुलाया और आप चले गए? हाँ, वो चिल्लाती जब उसे भूख लगती है तो आप समझ जाते हो। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो इशरत ने बताया, एक बार जोरदार तालियां इशरत के लिए भी। अगला सवाल है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे, मोती के इस कथन में उसकी क्या विशेषता है? क्या कहना चाह रहा है मोती? इतना तो अच्छा हुआ कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, क्या लग रहा है मोती का क्या नेचर है ये? 1, 2, 3, 4, 5 वेट यस वेट। मोती के इस कथन से ये पता चलता है कि मोती और हीरा स्वार्थी ने, उन्होंने खुद भागने की बजाय अन्य सारे जानवरों को भागने का मौका दिया। उन्होंने कहा आशीर्वाद देंगे ना, आशीर्वाद कहाँ से आया? यस वेट सर, इससे ये पता चला कि वे स्वार्थी नहीं है, वो अपने से मतलब पहले किसी और को देखते हैं कि उन्होंने बाकी सारे मतलब खुद नहीं भागे, उन्होंने पहले उन लोगों को भागने का मौका दिया। वो तो आशीर्वाद वाली बात कर रहे हैं ना, शायद आप पकड़ नहीं पा रहे। हाउस में सब जानवर बंद थे, तो जब हीरा ने दीवार तोड़ी थी तब उन्होंने सबको बाहर निकाला था वहाँ से कांजी से, तब उसने ये लाइन बोली थी कि कम से कम 9-10 प्राणी की जान तो बच गई। आशीर्वाद देंगे का क्या मतलब है सर? मतलब कि वेट यस, थोड़ा शुरुआत करेंगे, शायद आगे आए आपको कुछ व्यू बने। आशीर्वाद देने से ये मतलब है कि जब उन्होंने सारे जानवरों को भगा दिया तो उन प्राणियों की नीलामी से जान बच गई, वो नीलाम नहीं हुए और नहीं हमारी कह रहे ना कि तो वो उनकी हमें दुआएं मिलेंगी कि वो लोग नहीं भागे और उन्हें भगा दिया, क्योंकि वो लोग अच्छे। यस सर, आशीर्वाद का मतलब ये है कि मतलब वो लोग अभी भी उम्मीद रखते हैं कि हम मतलब अभी भी इस कैद से बाहर हो सकते हैं। ओके यस, कुछ और हमें अच्छी जिंदगी मिले। सर आशीर्वाद सुनकर ये मतलब है कि अगर अभी हमने जानवरों को निकाल दिया वो हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारी जान भी बच सकती है और हम भी यहाँ से निकल सकते हैं। गुड यस, आपका आंसर गायब हो गया, बताओ। तो जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद से ये मतलब है कि उन्हें दुआ मिली, ब्लेसिंग्स मिली, और वही ब्लेसिंग्स वही दुआ वही आशीर्वाद उनका बाद में काम आया, बाद में अपनी मालिक के घर सही सलामत पहुँचे। यस गुड सर, इसमें उनकी सॉरी मोती की विशेषता ये है कि कर भला तो वो भला। यस, जोरदार तालियां बजा देगा। कर भला तो वो भला, शायद कुछ और हमारे पास एक आंसर निकले। मोती कंफ्यूज हो गई। अच्छा वो कम से कम 9-10 तो जानवर बच गए, मैं नहीं बच सका, मेरा दोस्त नहीं बच सका तो क्या हुआ, बट वो लोग तो बच गए, उनकी जगह हम मार खा लेंगे कोई बात नहीं, बट वो उन्होंने उनको दुआ दी होगी तभी उनको आगे जाके लगी, उन कसाई से भी बचे और अपने
मालिक के घर झूरी में पास। बहुत बढ़िया। कुछ और किसी के पास कुछ और है? हाँ जी यस बताइए। मोदी ने अपने बारे में सोच करके दूसरों के बारे में सोचा। यस वेट वेट सुनो, अभी मैं पूछूंगा कि अभी नासिरा ने क्या बोला, तो आपके पास सबके पास आंसर होना चाहिए कि इसने क्या बोला। आपने जो बोला वो अलग मैटर करता है, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है वो भी सुनो और आंसर को स्ट्रांग बनाओ अपने। सबकी जान बचानी चाहिए। कुछ और किसी का नया? यस वेट। हाँ जी सर, वह स्वतंत्र प्रेमी है। स्वतंत्र प्रेमी। दोबारा बोलना सर, वह स्वतंत्र प्रेमी है। इसका क्या मतलब है? सर मतलब वो दूसरों की मदद करने में ही अपना भला चाहते हैं। दूसरों की मदद करने में खुश रहते हैं, संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जैसे मोती के बारे में। यस अगर जो प्राणी प्राणी थे वो सारे प्राणी जान ना देकर सिर्फ दो प्राणी जान दे दे तो अच्छा हो। देख मैं बता दूं यहाँ पर कुछ और है क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यस बताओ सर, हम जब किसी की मदद करते हैं तो फिर वो भी कभी ना कभी हमारे काम आ ही जाता है। हम किसी की मदद करते हैं तो वो भी हमारी मदद कर ही लेते हैं, काम आ जाते हैं। बैठो, कोई हमारी मदद ना करे वापस। मोती ये कहना चाह रहा है कि मेरा काम है दूसरों की मदद करना। अब वो हमें मिल जाए, अच्छा मिले और अच्छा मिले या ना मिले तो वो अलग मैटर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोती भगवान में, अल्लाह में, खुदा में बिलीव करता है। पहली बात। दूसरी बात, परोपकार की भावना है उसके अंदर। तीसरी बात, उसे विश्वास है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। तो आप क्या करना चाहोगे अच्छा जो आपको अच्छा मिलेगा? कितने बच्चे मोती की इस बात को अपने अंदर उतारना चाहेंगे? कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे हैं क्यों उतारे हम, वो मोती है, हम तो इंसान है, क्यों उतारे? वेट, क्या बात उतारेंगे आप मोती की इस वाली बात से? आपको क्या परिवर्तन आने वाला है आपके पास? जोर से बोलो। दूसरों की हेल्प करेंगे। आपके अंदर क्या बदलाव आने वाला है? क्या चेंजेस आने वाला है आपके अंदर आज के बाद? सबकी हेल्प करेंगे। सबकी हेल्प करेंगे। आपके अंदर क्या चेंज आने वाला है? स्वार्थीपना कम दिखाएंगे। अभी तक दिखाते थे, थोड़ा थोड़ा दिखाते थे। यस बोलो बोलो। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। पक्का? अभी तो बोली थी पहले में। अभी देखो पहले में, लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट अलग है। कई बार हम कुछ अच्छा करते हैं तो वहाँ पर भी एक्साइटमेंट होती है। पहले मैं करूँगी। यस सर, हमारी कोई मदद करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी पूरी तरह पूरी सबकी मदद करूँगी अपनी तरफ से। जोरदार तालियां एक बार पायल के लिए। अगला सवाल है, एक आशय स्पष्ट करना है। अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। क्या मतलब है? जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला भी वंचित है, लेकिन इंसान कहता मैं जीवों में श्रेष्ठ हूँ, फिर भी इंसान किसी एक शक्ति से वंचित है। कौन सी शक्ति है वो? 1, 2, 3, 4, 5। यस वो इतने गहरे मित्र थे कि वो एक दूसरे को कहे भी नहीं। नहीं, इंसान भी बहुत अच्छे मित्र है। कृष्ण और सुदामा देखे आपने? यस सर। मुझे लगता है दोनों बैलों से ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। सर उनकी इंसानियत, जो लोग आजकल खो गए हैं मगर उनके अंदर वो इंसानियत है। तो यस आप सर, स्वार्थ की शक्ति, स्वार्थ की शक्ति जानवरों में है नहीं है? हाँ जी सर, वो बिना बोले बातें करते। यस जोरदार ताली बजा दो नेहा के लिए। मूक भाषा में बात करना इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान मशीन लगाता है और उसमें भी पूरा क्लियर नहीं आता है, बट यहाँ पर दोनों बैल बिना मशीन के भी दोनों की बातें समझ ले रहे हैं। तो आई होप आपके एक दो क्वेश्चन रह गए हैं और अच्छे से आपके क्लियर हुए होंगे।